हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 6 से 7 मिनट का टाइम है तो तभी आप ये वीडियो देखें, तभी आप इस वीडियो का असली अर्थ समझ पाएंगे। मैं खुद जब ये वीडियो देख रहा था तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, मेरे आंखों से आंसू आ गए वीडियो को देख के। तो इस वीडियो में क्या है कि बिहार से कुछ बंदे अपनी बेटी के इलाज के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन हॉस्पिटल ने उनसे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने काफ़ी पैसे की डिमांड करी, काफ़ी टाइम से घूमते रहे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी, लेकिन वो बंदे अशोक अग्रवाल जी के पास गए। तो अशोक अग्रवाल जी हाईकोर्ट में गए उन बच्चों के लिए, उस बच्ची के लिए, और बाद में जो हुआ वो आप देख सकते हैं। एंड रियली सो मच थैंक यू टू अशोक अग्रवाल सर। हालांकि कल उन्होंने वीडियो सेंड करी थी ये, तो साथियों एक बार ये वीडियो आप जरूर देखें, दिल छूने वाली वीडियो है। और अशोक अग्रवाल जी का दिल से धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगे तो आप भी धन्यवाद जरूर करें। तो साथियों देखिए। साल की ज्योति कुमारी हैं, बिहार से है, इनके माता पिता बिहार से हैं, और इसको जो है पिछले 3-4 साल से सीवियर स्पाइनल डिफॉर्मिटी है। इसका पीछे का जो हड्डी है वो बिल्कुल बाहर की तरफ निकल आई है, और ये 5वीं में पढ़ती थी तो आगे पढ़ाई भी नहीं कर पाई बीमारी के कारण, और एम्स के अंदर ये लोग बिहार से इस बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए आए, और एम्स ने जो है इनसे कहा कि भाई 5 लाख प्लस जो है इसके ट्रीटमेंट का खर्चा होगा। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने 5 लाख प्लस जो है कोई नवंबर 2018 में एम्स को वो पैसा भेज दिया इसके ट्रीटमेंट के लिए। अभी उसका ट्रीटमेंट का जो जनरल कैटेगरी थी उसमें ट्रीटमेंट की बताई जा रही थी कि 3-4 साल से पहले नहीं हो सकेगा, और ये बच्चा बहुत ही जो है बीमारी से और पेन से बहुत परेशान था। तो माँ बाप बराबर एम्स को कह रहे थे कि भाई इसका जल्दी इलाज करो, तो एम्स ने कहा कि ठीक है, अगर आप 22,000 रुपये रूम रेंट दे सकते हो प्राइवेट वार्ड में तो हम इसको प्राइवेट वार्ड में दे देंगे। तो प्राइवेट वार्ड में एक बार नवंबर की डेट दी इसको, 18 नवंबर 2018 को, और उसके बाद फिर ये 22,000 रुपया जो इसको जमा करना था रूम रेंट की तरफ वो कर नहीं सका, तो इसको फिर वो डेट निकल गई, और फिर 7 दिसंबर को फिर इन्होंने अप्रोच किया, तो इनको फिर जो है 13 फरवरी 2019 मतलब आज की डेट इनको दी कि ठीक है एडमिट हो जाना। अब सवाल ये था कि इनके पास पैसे नहीं थे, 22,000 रुपया जमा करना था, तो उसका उसके लिए फिर डोनेशन रेज किया गया, और एक हमारे दोस्त हैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सरकारी अस्पताल में, उन्होंने 20,000 का चेक दे दिया और 2,000 ये कैश। तो जब ये परसों 7 तारीख को कैश लेके गए, वो कैश और चेक लेके गए, तो एम्स वालों ने इनको बोला नहीं नहीं आप गरीब कैटेगरी में हो, जनरल कैटेगरी में हो, आपका जो है इस प्राइवेट वार्ड में नहीं हो सकता, और आपका 135 नंबर है, 305 नंबर है वेटिंग लिस्ट में जनरल कैटेगरी में, जब नंबर आएगा तभी करेंगे। अब ऐसी हालात के अंदर जहां बच्चा तकलीफ से परेशान हो जाता है और उसका अधिकार है कि एक सरकारी अस्पताल उसका इलाज दे, और वो अब 4 साल 5 साल पता नहीं कब तक वेट करता रहे, ऐसी हालात में फिर हमको हाईकोर्ट अप्रोच करना पड़ा, और हाईकोर्ट ने आज जो है एम्स को जो है डायरेक्शन दी है, कि इस बच्चे का एक्सपीडिशियस जल्दी से जल्दी इसका जो है ऑपरेशन किया जाए, और 1 महीने के अंदर जो है उनको डेडलाइन दी है कि 1 महीने के अंदर इसको जनरल कैटेगरी में, अब इसको पैसे भी जमा नहीं करने पड़ेंगे और जनरल कैटेगरी के अंदर इसका एडमिशन होगा। तो आज ये मेरे साथ है, मैं इनसे बात करता हूँ, इनके माता पिता हैं,
और ये बच्चा भी हमारे साथ है, है? और ये बच्चा हमारे साथ कोर्ट में भी वहां पे कोर्ट में जज साहब के सामने भी था, है? तो मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ी जीत हुई है हमारी। और कैसे लग रहा है ज्योति आपको, कैसा लग रहा है आप, आपको कोर्ट ने कहा है कि एक महीने के अंदर आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा एम्स को, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, है? लेकिन तब तक तो आपको ये तकलीफ सहनी करनी पड़ेगी ना। हाँ। कितने सालों से ये तकलीफ देख रहे हो आप अपनी? चार साल से परेशान हो आप, है? हाँ। अगर चार साल पहले ही आपका ऑपरेशन हो जाता तो ये आज शायद आप स्कूल जा रहे होते, है ना? हाँ। और ऑपरेशन के बाद स्कूल जाओगे? हाँ जाऊंगी, मुझे मुझे चाहत है पढ़ने के लिए। हाँ चाहत है आपको, है? आप इनकी मदर हो, है? कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा लग रहा है आपको कि अब आपके बच्चे की जो है ऑपरेशन हो जाएगा, है? एम्स के अंदर जी। और आप पिता हैं, क्या है? आप कहना चाहते हैं? आप लोगों का सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द मेरी बेटी का ऑपरेशन हो जाए और कोर्ट कुछ मुझे सहारा दिया और टाइम दिया कि एक महीने के अंदर अंदर मेरी बेटी की इलाज हो जाए, और यही चाहता हूँ। आज हमने कोर्ट में भी ये सवाल उठाया कि ये हमारा जो कंट्री है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक सोशलिस्ट कंट्री है, समाजवाद कंट्री है, लेकिन ये कैसा समाजवाद है जहां पर एक अगर आप एम्स जैसी सरकारी संस्था के अंदर जो है आप अगर प्राइवेट वार्ड में जाते हैं तो आपको जल्दी की डेट मिल जाती है, और अगर आप जनरल वार्ड में हैं तो आपको पता भी नहीं है कि आपको पता नहीं कब ऑपरेशन होगा। हो सकता है कि ऑपरेशन की डेट इतनी लंबी हो जाए कि शायद आप जिंदा भी नहीं रहे ऑपरेशन के लिए, है? एक बात हमने और कोर्ट के अंदर ये उठाई कि अगर आप मिनिस्टर हैं तो आप अमेरिका चले जाइए और आपका तुरंत इलाज हो जाएगा, है? तो अगर गरीब है तो आपका कोई इलाज ही नहीं होगा यहाँ पे, तो ये कैसी व्यवस्था है? ये सवाल भी हमने कोर्ट में उठाया, लेकिन खुशी की बात यह है कि कोर्ट ने एम्स को ये डायरेक्शन दिया है कि इस बच्चे को एक महीने के अंदर जो है इसको जो है पूरा ट्रीटमेंट दिया जाए, और मुझे उम्मीद है कि इसका एक सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा और उसके बाद ये ठीक होके अपने बिहार जाएगी और अपने स्कूल के अंदर पढ़ेगी, और एक दिन जरूर कोई बड़ी बड़ी जो है पदवी पे बैठ के जो है ना ये होगी, है?